तो हाँ जी नमस्कार, आज हम आपको जो है ये पतंग किस तरह से बांधते हैं ये बताते हैं। अभी हमारे साथ एक गुड़िया है, इस गुड़िया को सिखाएंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक माचिस की तिल्ली जलाएंगे, ठीक है। इस माचिस की तिल्ली को जलाने के बाद हम इसको बुझा देंगे। तो एक छेद करेंगे यहाँ पर, एक छेद करेंगे यहाँ पर, कम से कम 9 इंच की दूरी पर हमें एक छेद फिर से करेंगे। तो हमारी ये माचिस की तिल्ली बुझ गई, हमें फिर एक माचिस की तिल्ली और जलानी पड़ेगी, ठीक है बच्चा। माचिस की तिल्ली हमने जलाई और बुझा दी, और एक छेद यहाँ किया और एक छेद यहाँ किया। छेद करने के बाद हमने क्या करना है, हमने कम से कम जो इसको 2 मीटर धागा ले लेना है, कितना, 1.5 या 2 मीटर के करीब। इसको हमने बीच से तोड़ दिया। तोड़ने के बाद हमने क्या किया, ये धागा बराबर किया, क्या किया, बराबर किया हमने ये धागा, और इनको जो है यहाँ पर बांध देते हैं इस तरफ से, सीधी तरफ बांधेंगे हम इसको, है ठीक है, उड़ाने के लिए सीधी तरफ उड़ाएंगे हम, और इस तरह से हम इस धागे को यहाँ पर बांध देंगे। ये धागा हमने इसके अंदर घुसा दिया, अरे छूट गया, गलत हो गया भाई, अभी गलत हो गया दिव्यांशी, गलत हो गया भाई, ये धागा पहले ही छूट गया। और इसको इस तरह से पहले हम इसको क्या कर देते हैं, इसकी बिरकी मार देते हैं, इसको बोलते हैं बिरकी मारना। ये यहाँ से गया यहाँ, और यहाँ से गया ये यहाँ, चाहो तो हम इसको पूरा यहाँ ले सकते हैं, और लेने के बाद हम इसको इसके अंदर घुसा देंगे, क्या कर देंगे, इसके अंदर हम इसको घुसा देंगे, और इसको मजबूती से कस देंगे, ठीक है। कसरे के बाद तुम देख नहीं रहे हो, यहाँ देखो किस तरह से बांधना है, कल ले जाएंगे फिर तक कैसे होगा फिर इसको हमने इसके अंदर घुसेड़ा इस तरह से, और अभी लाइट नहीं है, इस तरह से जो है हमने इसको घुसेड़ा, और फिर इसको यहाँ से अंदर घुसेड़ा। अब हमने क्या करना है, ये दोनों बांध देने हैं, इसको भी क्या कर देंगे, मजबूती से बांध देंगे, क्या कर देंगे, इसको मजबूती से बांध देंगे, और इस तरह से इस पर जो हमने गांठ बांध दी, क्या बांध दी, कुछ बोल नहीं रही है दिव्यांशी, बोलिए, गांठ बांध दी। अब क्या हुआ, ये जो है हमारे पास बराबर आ जाता है। अब हमने क्या करना है, इसको इतना लिया और यहाँ से इतना लिया, तो इसका मतलब हमने इसको यहाँ बांध दिया, ठीक है, ये बराबर दूरी पे आ गए इधर और ये इधर। अब क्या करेगा, ये देखो, ये जैसे तराजू होता है ना, तोल तराजू, क्या होता है, तोल तराजू, क्या तोलते हो तुम तराजू में, बोल वह क्या तोलते हैं, रसगुल्ला तोलते हैं, रसगुल्ला तराजू में नहीं तोलते हैं, एक रसगुल्ला कितने किलो का होता है। इस तरह से ये हमारी जो है ये पतंग हमारी तैयार हो गई। अब हमने इसके ऊपर फिर डोरी से बांध देना है। यदि हमारी वीडियो अगर गलत बनी होगी ना, तो समझ लेना कि बस काम ख़राब हो जाएगा फिर। ये इस तरह से हमने बांधा इसको, और इस पर 2 गांठ हमने मार देनी है। तो इस तरह से हमारी ये पतंग तैयार हो गई धागे के साथ। अब हमने क्या करना है, इसको धीरे 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 इस तरह से छोड़ना है और उड़ाना है। जैसे उड़ जाएगी, ये उड़ रही है कि नहीं उड़ रही है, ये लीजिए बंद कर दीजिए।